और काशीपुर में लॉकडाउन में अवैध सट्टे का कारोबार बढ़ गया है। सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। धड़ल्ले से चल रहा सट्टे का कारोबार, सट्टा माफिया लाखों रुपए की वारंट जारी कर रहे हैं। नशे के कारोबार पर तो पुलिस अंकुश लगाने में कामयाब हुई, लेकिन सट्टेबाजी और जुआनियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है। काशीपुर क्षेत्र में सट्टेबाजी का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि बड़े पैमाने पर क्षेत्र में चल रहे सट्टे के कारोबारियों पर कार्रवाई करने में पुलिस नाकामयाब रही है। ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन लोगों पर पुलिस कब शिकंजा कसेगी? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कब होंगे सट्टा माफिया सलाखों के पीछे। सट्टा माफियाओं ने क्षेत्र में टांडो मचा रखा है और इन अपराधियों के दिलों पर पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। काशीपुर को सट्टा माफिया दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट है, तो ऐसे में सट्टा माफिया लोगों को लालच देकर उन्हें बर्बाद करने में लगे हैं। पुलिस सट्टा रोकने में नाकामयाब साबित होती दिखाई दे रही है और सट्टे की चपेट में आकर लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। क्षेत्र में थोड़ी सी कार्रवाई की है, इस पर जैसी खबर आएगी सट्टे और बाकी चीज़ों पे भी कार्रवाई की जाएगी। द्वारा नशे का काशीपुर क्षेत्र में अभियान चलाया गया, अभियान नहीं, वो जो जैसे उसको एक प्रायोरिटी बनाई गई और जब भी कोई सूचना आ रही है उसके आधार पे कार्रवाई की गई। लगभग पिछले एक महीने में हमने 500 ग्राम से ज़्यादा स्मैक क्षेत्र में पकड़ लिए और 6 से 7 मुकदमे दर्ज किए गए। और हमारे खबर के मुताबिक बहुत सारे लोग जो ये बिज़नेस यहाँ काशीपुर क्षेत्र में करते थे, वो काशीपुर क्षेत्र छोड़ के भाग भी गए। अभी तो कुछ हद तक इस पर लगाम हुआ है और जितने लोग अभी तक प्रकाश में आए उनके इंट्रोगेशन से, उनसे बातचीतों से कुछ आगे और पीछे की भी लिंक पता चली है, उसके कारण से अभी और भी आगे कार्रवाई होती रहेगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं।